नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। जी हां, अब बिहार अनलॉक हो रहा है। आज नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया और अब बिहार में छूट का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और भी बहुत सारी तमाम छूट दी गई है। और फिर 50% जो है ऑफिस में उपस्थिति का भी आदेश जारी किया गया है। तो अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन इस बीच नाइट कर्फ्यू फिर से बिहार में लगा दिया गया है। और ये नाइट कर्फ्यू फिर से एक बार विपक्ष के लिए मुद्दा बन गया है। जी हाँ, इस नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े कर दिया है विपक्ष ने। आरजेडी की तरफ से बयान आ गया है। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने आड़े हाथों ले लिया है सरकार को कि नाइट कर्फ्यू के जो लगाया है सरकार ने वो समस्या पर है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। कोरोना का संक्रमण दर घटता जा रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर सतर्कता और सावधानी जरूरी है। बिहार सरकार ने आज फैसला लिया है, चौथे लॉकडाउन की समय सीमा आज पूरा हो रहा है। इसके बाद कल से अनलॉक हो जाएगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। यानी अब बिहार अनलॉक की ओर बढ़ा है, लेकिन नाइट कर्फ्यू बिहार जैसे राज्य के लिए समझ से परे है। विपक्षी दलों से भी सरकार ने कोई राय नहीं मांगी थी। नेता प्रतिपक्ष ने जिस समय राय दिया था, सरकार ने तो एक भी सुझाव सलाह नहीं मानी। अब सरकार किस विशेषज्ञ की राय लेकर के ये फैसला कर रहा है, ये सरकार जाने। लेकिन अभी भी सावधानी और सतर्कता की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और वैक्सीनेशन कार्य में गति लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। संक्रमण कोरोना का घट रहा है, लेकिन सरकार के जो जांच हो रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की गति है, इसमें तेजी लानी होगी। सुन लिया आपने, मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कहा कि नाइट कर्फ्यू लगा के सरकार कोरोना को रोकने चली है और ये संभव नहीं दिखता। इधर आपको आरजेडी के जो विधायक हैं राकेश कुमार रोशन, उन्होंने भी आड़े हाथों ले लिया सरकार को नाइट कर्फ्यू के मसले पर कि आखिर नाइट कर्फ्यू लगा के सरकार करना क्या चाहती है, नाइट कर्फ्यू से क्या भला होने वाला है बिहार का। एक बार फिर नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े हो गए। तो राकेश कुमार रोशन क्या कह रहे हैं, यह भी सुन लीजिए आप। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन पर जो फैसला लिया गया है वो जनता के जनहित में नहीं है, क्योंकि बिहार में कोई नाइट कल्चर नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाने से कोई बिहार में कोरोना संक्रमण रुकेगा, ये हमारी समझ से परे की बात है। क्योंकि पटना शहर या बिहार का जो भी शहर है या ग्रामीण इलाके हैं, वो कोई पॉश इलाका नहीं है कि लोग रात में घूमने के लिए घर से निकलते हों, जिनको कि रोकने से ह्यूमन चैन टूटेगा और कोरोना संक्रमण दूर होगा। यदि सही मायने में सरकार चाहती है कि बिहार में कोरोना संक्रमण दूर किया जाए तो वैक्सीनेशन पर सरकार को ध्यान देना होगा। अभी जो हालत है बिहार में, आप देख रहे हैं कि वैक्सीन का घोर अभाव है। लोग लेना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण 18 से 45 वर्ष के लोगों को खास करके जो वैक्सीन लगना चाहिए था नहीं लग रहा है। इसलिए सरकार वैक्सीन को उपलब्ध करा करके आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करे, जिससे कि कोरोना के खिलाफ हम लोग जंग लड़ सकें। यही राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मैं मांग करता हूं। सुन लिया आपने कि आरजेडी ने रगड़ दिया है इस मसले पर नीतीश सरकार को कि नाइट कर्फ्यू लगा के आखिर नीतीश कुमार साबित क्या करना चाहते हैं। क्या ये मुंबई दिल्ली है, ये पटना है? पटना में नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं होता, कोई रात में निकलता नहीं है ऐसे भी। तो नाइट कर्फ्यू लगा के सरकार अगर सोचेगी कि कोरोना पर संक्रमण पर जो रोकथाम किया जा सकता है वो संभव नहीं है। हालांकि लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन की वजह से बिहार में संक्रमण दर में कमी आई है, इसे सभी स्वीकार कर रहे हैं। तो लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, बिहार अनलॉक की तरफ बढ़ गया है, लेकिन विपक्षी दलों को इससे भी परेशानी हो रही है कि सरकार ने आखिर नाइट कर्फ्यू को लगा दिया है। तो खैर, बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। तमाम ऐसी राजनीतिक खबरों से हम आपको बावस्ता कराते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, आपको हम देते रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।